तुम जो बोलते हो अंडरडॉग को चांस दो वान दो, भाई हरकतें होती है भाई तुम्हारी, पता है इसलिए तुम्हें चांस नहीं मिलता है। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे सवाल रहेगा, अपना इंडियन रीजन के बाद कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे फ्री फायर बहुत ज़्यादा खेला जाता है और उधर सपोर्ट भी काफ़ी तगड़ा मिलता है, वो चीज़ आप कमेंट में बताना। बाकी यार आज की वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स रहने वाले हैं, कुछ अपडेट्स आपके लिए शॉकिंग भी रह सकती है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है फ्री फायर ओल्ड सीरीज ब्राजील के बारे में। उनका जो ग्रैंड फाइनल था ओल्ड सीरीज का वो खत्म हो चुका है और इस टूर्नामेंट को फ्लुक्सो ने जीता। और देखो माहौल कैसा है, आप एक बार माहौल देखो यार उनका सेलिब्रेशन वगैरह। बाकी यार जो टॉप फोर टीम्स है अगले मतलब वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है ईगल ई स्पोर्ट के पेड स्क्रीम के रिजल्ट के बारे में, जो कि कल 9 बजे वाला है, जिसमें द अलमाइटी गॉड्स ने टॉप किया, सेकंड नंबर पे स्ट्रॉ हेड्स आई और थर्ड नंबर FSG आर्मी आई। बाकी यार आप भी ऐसे टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है किलर FF की तरफ से। तो किलर FF अपने डाउनफॉल के ऊपर बात करते हुए जॉन्टी भाई उनको क्या रिप्लाई देते हैं? डाउनफॉल इज रियल, अबे चेक किलर। मेरी बात सुन किलर, अगर तो गेम आई जो कि आई मैं क्यों यार, मैं किलर क्या बोलूं तेरे को यार पता मेरे को इतना बुरा लगता है ना, तू मेरे से पूछता है कि भाई गेम कब आएगी, गेम कब आएगी, गेम कब आएगी, और मैं तेरे को एक ही चीज बोलता हूँ, आएगी आएगी आएगी, और ये पिछला 1 साल से चल रहा है पिछले 1 साल से किलर मेरे को डेली मैसेज करता है कि गेम कब आएगी, गेम कब आएगी, गेम कब आएगी, और मैं बोलता हूँ गेम आएगी गेम आएगी गेम आएगी गेम आएगी, और आज भी किलर यही पूछ रहा है गेम कब आएगी, गेम कब आएगी, और मैं आज भी किलर को यही बोल रहा हूँ भाई गेम आएगी तो चिंता मत करो। अरे यार देखो गाइस, गेम तो आएगी, ये तो 100% श्योर गारंटी है, बट कब आएगी ये किसी को नहीं पता, ये तो मेरे ख्याल से मॉडरेटर्स को भी नहीं पता है गेम कब आएगी, जिनको तुम गालियां देते रहते हो उनको भी नहीं पता है गेम कब आएगी। कई बार तो मैं सोचता हूँ तो मॉडरेटर को गाली वाली देते हो, मॉडरेटर के हाथ में होता तो मॉडरेटर कब का गेम ला देता यार, जितनी गालियां वो खा रहे हैं है ना, वो कहते देखो जैसे जिस हिसाब से अगर तुम मॉडरेटर वॉडरेटर को गालियां देते हो उस हिसाब से तो मॉडरेटर को मॉडरेटर हाथ जोड़ देंगे, हाँ भाई गेम कल ही आ जाएगा, वो तो कल ही ला देंगे जितनी हिसाब से गाली, पर उनके हाथ में भी नहीं है यार, उनको भी नहीं पता कब आएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपडेट भी जॉन्टी गेमिंग की तरफ से ही है। तो जॉन्टी गेमिंग जब लाइव थे तो यार उन्होंने जो अंडरडॉग्स की मिस्टेक से और उनको स्लॉट्स के मतलब सबसे पहले आप देख लो मतलब आप समझ जाओगे, तुम जो बोलते हो अंडरडॉग को चांस दो वान दो, भाई हरकतें होती है भाई तुम्हारी, पता है इसलिए तुम्हें चांस नहीं मिलता। अरे हाँ मेरे टूर्नामेंट में आधे तो वैसे भाग जाते हैं और आधे को ये बोले पहली बार 5 प्लेयर का नाम देंगे तो कोई और ही प्लेयर आ जाता है, इसलिए अंडरडॉग को बहुत कम लोग चांस देते हैं, सरकारी बना रखा है टूर्नामेंट को, टीम में जाम को एंट्री मिल जाती है वो समझते हैं कि हार गए क्या हुआ, इसलिए फ्री फ्री ले गए मर गए। अंडरडॉग का यही सीन है, अंडरडॉग में क्या होता है ना गाइस, क्या बंदे हैं भाई ये, जैसे अगर ये 4 नाम लिखवा रखे हैं तो कोई उस दिन वो अवेलेबल नहीं है तो किसी 5वें को उठा के ले जाएंगे, जैसे वो होता है अपने बाप का ही कस्टम होता है यही होता है, इसलिए अंडरडॉग को चांस देना ठीक है, मत दो मेरे हिसाब से तो मत ही दो, क्योंकि अब आप बोलोगे कि यार एक टीम ऐसी होती है, दो टीम वैसी होती है, एक दो टीम का बात नहीं है। बाकी दोस्तों आप इस चीज के ऊपर क्या कहना चाहोगे कमेंट में कुछ जरूर बताना। बाकी जॉन्टी के में एंग्री हो गए थे अपने गरीना के मैनेजमेंट पे, तो क्या सीन हुआ था एग्जैक्ट खुद देख लो। मेरी टीम देख के ही वो फट गई, पता है टीम देख के फटी, मतलब जो चीज देखो नयन भाई है ठीक है नहीं खेल रही, तेलुगु है नहीं खेल रहे, आरएनए भी नहीं खेल रहे, अरे यार ये गलत है ना, और जब हमने बोला था कि भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा मेरी जगह मेरी टीम को, तो उन्होंने बोला आप बैक ऑफ कर लो टीम को लेके, वो बोलना गलत है ना भाई, वो गलत है भाई, वो तुम अपनी बात रख सकते हो सामने, तुमने सीधा मेरे को क्या बोला कि तू बैक ऑफ कर ले अपनी टीम को लेके, अरे भाई झाट वर्ग का टूर्नामेंट मैं क्यों ही खेलूंगा भाई तुम्हारा,
सही बात, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट के लिए खेलता हूँ, पर तुम अगर ऐसे और ऊपर से फिर तू या तो क्रिएटर्स के लिए नहीं प्लेयर्स के लिए करा दो फिर बात। हाँ वही तो, देख मैं लेजेंड को नहीं बोला, मैं तेरी बारी में नहीं बोला, तू क्रिएटर खेला ठीक है हमको एक्सेप्ट है, जय खेला एक्सेप्ट है, ये खेला एक्सेप्ट है, आर एक्सेप्ट है, लेकिन जो क्रिएटर खेल रहे हैं उनको तो खिलाओ, तुम उनको भी नहीं खिला रहे हो। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस चीज के ऊपर? मैं तो बोलता हूँ यार क्रिएटर्स वगैरह क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, सीधा ई स्पोर्ट का टूर्नामेंट करा दो रजिस्ट्रेशन करके भाई, नाम मजा आए तो नाम लिख के देना भाई, तगड़ा मजा आएगा, पूरा ई स्पोर्ट टीम्स खेला भाई, प्योर टूर्नामेंट होगा, मजा भी उतना ही आएगा। होप करते हैं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जो होगा एक क्रिएटर्स के टट्टों के बीच में नहीं होना चाहिए। बाकी यार पहाड़ी गेमिंग उसी लाइव स्ट्रीम में अपने कमबैक किया, मतलब उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है अभी चल रहा है जो रिसेंटली, तो उसके ऊपर भी बातचीत किए कि यार परफॉर्मेंस लो चल रहा है, तो जॉन्टी भाई और उनका क्या कन्वर्सेशन हुआ देख लो। तो चला जाऊंगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ बहुत बढ़िया खेले, तुम्हारी टीम बहुत अच्छा खेली और तुम्हारा भाई भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला गेम प्ले नहीं निकल रहा है मेरा। मैं जॉन्टी पिछले पिछले दो सालों से मैं टूर्नामेंट अभी जब से गेम बैन है तब से मेरी सिर्फ एवरेज के लिए 10-15 मैं बताता हूं गिल्टी का है 10-15-16-18 यही एवरेज रह रहा है, तुम मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला गेम नहीं निकल रहा। तो भाई तुम एंड तक जाते ही नहीं हो ना। हाँ वो भी है, स्नाइपर का मेन गेम ही एंड में चलता है, तू मान चाहे ना मान जब तक तो नहीं पहुंचता। भाई जिस पहाड़ी भाई का गेम क्लिप पहले जितना मतलब इतना एग्रेसिव नहीं रहा है, वो सारी चीजें कमेंट बताना क्योंकि आप तो उनके टूर्नामेंट्स वगैरह देखते हो अभी रिसेंट के, तो क्या सच में आपको ऐसा चीज लग रहा है? देखो मेरे को जहां तक पर्सनली लगता है वो जो फीलिंग है ना कि यार टूर्नामेंट खेल रहे, वो फीलिंग ही नहीं है अभी प्लेयर्स के अंदर, फिर भी प्लेयर्स खेल रहे यार एक प्रैक्टिस के लिए, गेम प्ले खराब ना उसके लिए खेल रहे ऐसे ही। और जो प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं छोटे मोटे यार उसमें क्या ही फीलिंग्स लेंगे, जब ऑफिशियली नहीं है आपके लिए कुछ बड़ा आगे टूर्नामेंट आने वाला हो तो आप प्राइवेट में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हो और फीलिंग के साथ खेलते हो यार है कुछ तो है बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस करना हमको, तो उस हिसाब से कोई खेल ही नहीं रहा ना अभी क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स ही नहीं है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के ऊपर कमेंट बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।